गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस कोविड-19 की महामारी की वजह से आप सभी लोगों को मालूम है कि हमें अब ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प लेनी पड़ रही है। ऑनलाइन क्लासेस देखिए, ना तो आपने अभी तक पहले कभी ली होगी और ना मैंने कभी ली। सही मायने में ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड अब इस कोविड-19 की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम हमारे वीडियो तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को इसको यूट्यूब के लिंक के जरिए आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आज मैं आपके सामने अकाउंटेंसी की जो अपनी रेगुलर क्लासेस हैं उसको दूंगा। अकाउंटेंसी के अंदर आपके पास में जो आपका बुक्स है उसमें क्लास ट्वेल्व में कोई चेंज नहीं आया है। ये चेंज केवल क्लास 11 में ही है। क्लास 12 की बुक्स अपने पास में मार्केट में इस समय अवेलेबल है, आप लोग परचेज कर लीजिए और इसकी कॉपीज भी बना लीजिए आप लोग। मैं जैसे ऐसे चैप्टर कंप्लीट करता रहूँगा, प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोग उसको करते जाइए। आशा बस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इस चैप्टर को लेना चाहूँगा पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर। आप लोगों को मालूम है क्लास 11 में मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो चैप्टर अपने कोर्स में था उस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जुड़ रहा है। उस समय मैंने आप लोगों को नॉक किया था गाइस आप लोग इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आ गया है उस क्वेश्चन को आप लोग क्लास 12 में ज़्यादा अच्छे से गिर रहे थे। अब क्लास 12 क्योंकि अपनी स्टार्ट हो रही है, लेकिन थोड़ी सी अभी आप लोगों को मालूम है कि किस तरह स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अपना जो चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसके अंदर सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन किस तरीके से है, इंट्रोडक्शन है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कि सबसे पहले नीड क्यों पड़ी। देखिए, अगर मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के बारे में, अगर मैं बात करूँ एकाकी व्यापार के बारे में, एकाकी व्यापार जो भी है उस व्यापार में एक व्यक्ति अकेला ही व्यवसाय संपादित करता है। वो व्यवसाय में धन विनियोजित करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट संभालता है या जो भी, तो जितने भी काम कर रहा है वो अकेला। कई बार समस्या ये आती है कि एक अकेले व्यक्ति की कैपेसिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है रिगार्डिंग, उसके पास में कैपिटल सफिशिएंट नहीं है रिगार्डिंग, मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो समस्त चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब यहाँ पर हमने एक नए तरह के बिजनेस फॉर्म की उपयोगिता को समझा। इसका नाम है साझेदारी व्यापार। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर साझेदारी व्यवसाय के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के व्यवसाय करते हैं। देखिए, साझेदारी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साझा करके, मतलब आप लोग साथ में मिलकर के व्यवसाय करें। इसका एडवांटेज ये हुआ कि साथ में मिलकर के क्या लगेगी, पूंजी लगेगी। इसका एडवांटेज ये हुआ साथ में मिलकर के मैनेजमेंट संभाला गया। तो जो कमियां हमारे सामने एकाकी व्यापार में थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, अब वो कमियां हमें साझेदारी व्यापार में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन बताना चाहूँगा क्लास 12 में आप लोगों को कंपनी अकाउंट के बारे में मैं जानकारी दूंगा जो कि आपके कोर्स के अंदर मौजूद है। शुरुआत में मैं आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में बात करूंगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर
कंपनी अकाउंट में और क्लास 11 के हमारे सोल प्रोप्राइटर वाले एकाकी व्यापार वाले प्रोसीजर के अंदर हमने देखा था कि एकाकी व्यापार के कुछ जो खामियां थी उस खामियों को पार्टनरशिप अकाउंट में दूर किया, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में एक सिमिलरिटी है, समानता यह है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार दोनों ही अलग अलग माने जाते हैं, जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू वैधानिक दृष्टिकोण से इन दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता। दोनों में चीजें एक जैसी है, अलग अलग फर्क नहीं है। क्या कि एकाकी व्यापार में और साझेदारी व्यापार में लेखांकन दृष्टिकोण से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग माना जाएगा। किसको अलग अलग माना जाएगा? व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को, जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी चाहे फर्म या साझेदार को अलग अलग स्थान में नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स, एक कंपनी जो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कंपनी का व्यवसाय जो देखेंगे, उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अपने मेंबर्स अथवा शेयर होल्डर से अपना अस्तित्व अलग अलग किया जाता है, माना जाता है। केवल एक कंपनी व्यवसाय ऐसा है जिसमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, वैधानिक दृष्टिकोण से और आपके लेखांकन दृष्टिकोण से दोनों में ही कंपनी को और कंपनी के मेंबर्स को क्या माना जाता है? अलग अलग अस्तित्व माना जाता है। खैर, मैं फिलहाल आप लोगों के सामने साझेदारी व्यवसाय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। साझेदारी व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, साझेदारी व्यवसाय का उद्भव किन कारणों से हुआ, तो कुछ कमियाँ थी हमारे व्यापार में जिसको दूर किया साझेदारी व्यापार ने। अब हम साझेदारी के परिचय के बारे में बात करें। जैसा कि हमने परिभाषा में थोड़ा सा वैसे समझ ही लिया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी भी व्यवसाय को करने के लिए एग्री होते हैं, उसके लाभों को बांटने के लिए तैयार होते हैं, और वो व्यवसाय या तो उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से या सबके द्वारा संपादित संचालित किया जाता है। तो पार्टनरशिप एक्ट हमारे पास में, किताब की मदद भी लूंगा गाइस, किताब की मदद इससे लेनी पड़ रही है। अब थोड़ा सा एक्ट में चेंज हो गया है तो चीज़ों की वजह से किताब की मदद ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे आप होंगे सामने नंबर ऑफ पार्टनर्स है उसके बारे में। तो साझेदारी का जो एक्ट है, अधिनियम है, वो 1932 लागू हुआ। जो पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सा लागू हुआ बच्चों? 1932। तो साझेदारी अधिनियम 1932, इसके अंदर इसकी परिभाषा आपको देखने के लिए सेक्शन 4 के अंदर अब हम बात करेंगे साझेदारी के विशेषताओं के बारे में। साझेदारी की विशेषता क्या क्या है? तो विशेषता के बारे में बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें,
सबसे पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति, नाम से मालूम पड़ रहा है हम साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, तो एक अकेला व्यक्ति अपने आप को साझेदार कहकर साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? न्यूनतम दो। अधिकतम के बारे में अलग अलग हमारे सामने चीजें देखने को मिलती है। हालांकि साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर कहीं पर भी आपको साझेदारों के अधिकतम संख्या के बारे में नहीं मालूम है। इसको रेलेवेंट किया गया है, संदर्भित किया गया है कंपनी एक्ट से। कंपनी एक्ट चूंकि अब उसमें बदलाव आ गया है, 2013 के अंदर नया कंपनी एक्ट आ चुका है, उसमें जो बदलाव आया है उस बदलाव की वजह से साझेदारों की अधिकतम संख्या जो है वो निर्धारित की गई है। पहले पूर्व में साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में 10 और 20 साझेदारों के बारे में बताया गया है कि बैंकिंग व्यवसाय करने वाले ऐसी साझेदारी फर्म है उनमें अधिकतम साझेदार 10 हो सकते हैं, और बैंकिंग व्यवसाय के अलावा जो भी साझेदार व्यवसाय है उसमें अधिकतम संख्या 20 साझेदारों की निश्चित की। परंतु कंपनी एक्ट में भी परिवर्तन आ गया है, 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से उसकी सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स उसकी संख्या कितनी तय की गई है? 50। अर्थात एक साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी निश्चित कर दी गई है? 50। पहले संख्या 100, बीच में भी बदलाव आया तो कई तरह की देखने मिलेगी, लेकिन अब जो संख्या है निश्चित कंपनी एक्ट 2013 रूल सेक्शन 464 के हिसाब से कितनी निश्चित कर दी गई है? इसकी वैल्यू कर दी गई है 50। तो पहली विशेषता हमने देखी, पहला 50 हमने देख लिया, दो या दो से अधिक पिक। दूसरी विशेषता हमारे सामने
व्यवसाय की विधवता विधवता व्यवसाय की विधवता एवं लाभार्थ देश स्टूडेंट्स व्यवसाय की विधवता और लाभार्थ उद्देश्य इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो ये मान के चले कि उस व्यवसाय के अंदर जो आप सहकारी व्यवसाय कर रहे हैं, नाम ही पढ़ रहे हैं सहकारी व्यवसाय, तो व्यवसाय का होना आवश्यक है। व्यवसाय की विधवता का होना जरूरी है और उसका उद्देश्य लाभार्थ होना चाहिए, लाभार्थ उद्देश्य होना चाहिए, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय चालू। देखिए हम कई बार ऐसे भी व्यवसाय देखते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होते। यहाँ हमारा उद्देश्य लाभ कमाने का ही होना चाहिए। आपके क्लास 12 में एक चैप्टर और देखने को मिलेगा जिस चैप्टर का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलाभकारी संस्थाओं के लिए है। तो ऐसे संस्थान भी है ऑर्गेनाइजेशन भी है जिनका उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर विशेषता प्रकट कर रहा हूँ उद्देश्य लाभ कमाने का ही होना आवश्यक है। दूसरी बात लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ में व्यवसाय की विधिवता होना आवश्यक है। इसको मैं एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहूँगा। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे को रिश्ते हैं, उन्होंने आपस में साथ में मिलकर के एक भूखंड जमीन का टुकड़ा एक भूखंड खरीद लिया साथ में और कुछ समय बाद में भूखंड के जब अच्छे दाम मिले तो उन्होंने इस भूखंड को बाजार में बेच दिया और इसके लाभों को आपस में बांट दिया। प्रथम दृष्टया आप लोग ये सोचेंगे कि इस भूखंड से जो भी लाभ हुआ है सर दो एक से ठीक हो रहे हैं, इन्होंने भूखंड खरीदा भूखंड बेच भी दिया लाभ भी कमा लिया, लाभार्थ का उद्देश्य भी हो गया, तो सर ये साझेदारी व्यवसाय हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा व्यवसाय की विधिवता नहीं है। साथ में मिलकर के उन्होंने काम तो किया, किस चीज के लिए कर दिया कि भूखंड खरीद लिया। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उन्होंने भूखंड खरीद तो लिया, लेकिन आप लोग इस बात को देखिए कि इन पर व्यवसाय की विधिवता का प्रश्न है। अगर ये व्यवसाय करते प्रॉपर्टी का भूखंडों का लेन देन स्वरूप करते तो समझ में आता कि ये साझेदारी व्यवसाय के अंदर कार्य करते, लेकिन इन्होंने साथ में मिलकर के मौका था खरीद लिया, मौके को भुना दिया, अपॉर्चुनिटी इन्होंने कैश कर ली। तो अब यहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये साझेदारी व्यवसाय है। जी नहीं, मैं इसको तब तक साझेदारी व्यवसाय नहीं कहूँगा जब तक इनका व्यवसाय या इनका कार्य इस प्रकार का स्पष्ट नहीं है। हाँ, ए और बी ने साथ में मिलकर खरीदा है तो मैं इसे को ओनरशिप सह स्वामित्व का नाम दे सकता हूँ कि उन्होंने सह स्वामित्व में इस भूखंड को प्लॉट को खरीदा और उसे बेच दिया लाभ कमा लिया, लेकिन मैं इसे साझेदारी व्यवसाय नहीं। साझेदारी व्यवसाय के अंदर व्यवसाय की विधिवता होना जरूरी है और साथ ही उसका उद्देश्य लाभार्थ भी होना अगली विशेषता के बारे में बात करूंगा। अगली विशेषता है लाभों का बंटवारा।
लाभों का बंटवारा, जाहिर सी बात है नाम से स्पष्ट हो रहा है, साझेदारी व्यवसाय करते हैं तो लाभों का होना, लाभों व्यवसाय में लाभ होंगे, और उनका बांटना भी आवश्यक है तो लाभों का बंटवारा भी होगा। यहाँ लाभ से केवल लाभों से मतलब नहीं है, हानियों से मतलब, इसे हम नेगेटिव प्रॉफिट में बोलते हैं गाइस, नकारात्मक लाभ, नेगेटिव प्रॉफिट। लाभ में जो सकारात्मक है नकारात्मक लाभ दोनों ही शामिल है, लाभों का बंटवारा भी आवश्यक है। अगली विशेषता जो है वो विशेषता रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट एवं प्रिंसिपल रिलेशनशिप डिफरेंस, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध साझेदारी व्यवसाय में देखने को मिलता है। किस प्रकार मिलता है? हर साझेदार एजेंट भी है फर्म के लिए, हर साझेदार फर्म के लिए क्या है, एजेंट भी है, और हर साझेदार प्रिंसिपल भी है। ये किस प्रकार से है कि हर साझेदार जो व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय कर रहा है वह व्यक्ति साझेदारी फर्म जो व्यवसाय कर रहा है, आई मीन ये मान लीजिए बताना चाहूँगा एक बार कि साझेदारी व्यवसाय में या तो समस्त साझेदार साझेदारी व्यवसाय में भाग ले सकते हैं, वैसे तो उनका अधिकार है, लेकिन उनमें से सबकी ओर से कोई एक भी भाग ले सकता है। तो साझेदार एजेंट की तरह किस तरीके से काम करेगा, वो दूसरे साझेदार के किए गए कार्य से बंधित है, दूसरे साझेदार के किए गए कार्य से बंधित है, एवं खुद के कार्य से दूसरे साझेदार बंधित। आज एक साझेदार जो व्यवसाय में क्रियाओं का संचालन कर रहा है, क्या उसका प्रभाव फर्म पे नहीं पड़ेगा? फर्म पे जब उसका प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से दूसरे साझेदारों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात एक साझेदार के कार्य से दूसरे साझेदार प्रभावित है, और दूसरे साझेदार के कार्य से पहले वाला साझेदार। इस प्रकार से इनके मध्य प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध भी प्रदर्शित होता है। ये कुछ विशेषताएं हम लोगों ने देखी, इन विशेषताओं को बाद में अब हम साझेदारी संलग्न के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख, देखिए नाम पहली बार सुना हो तो पार्टनरशिप डीड सुनिए, अच्छी बात है। साझेदारी
साझेदारी चलने दरअसल साझेदार जिन भी नियम और शर्तों के मुताबिक आपस में सहमत हुए हैं उनका लिखित रूप में वर्णन है। अर्थात साझेदार किसी भी जब साझेदारी कर रहे हैं तो आपस में अग्री हुए हैं, जिन भी चीज़ों में अग्री हुए हैं इन चीज़ों को लेकर के वो नियम एवं शर्तें ही समस्त नियम एवं शर्तें ही लिखित रूप से साझेदारी संधि है। अर्थात साझेदार आपस में मिलकर के इन सभी नियम शर्तों को के माध्यम से साझेदारी व्यवसाय संपादित संचालित करते हैं। इन साझेदारी संलेख के अंदर बहुत सारी चीज़ शामिल की जाती है जिनके लिस्ट अगर मैं लिखना चाहूँ मतलब तो काफ़ी समय लग जाएगा, मैं ओरली आपको उनको बोल के बताऊँगा। इसमें साझेदारी व्यवसाय का नाम पता, साझेदारों के नाम पते, साझेदार में कितनी पूंजी लगाएंगे उसके बारे में जानकारी होती है, साझेदार अगर आहरण करेंगे ड्राइंग्स करेंगे कितनी करेंगे, पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा कितना दिया जाएगा, दर आहरण पर ब्याज अगर चार्ज किया जाएगा उसकी दर क्या होगी, नए साझेदार का प्रवेश, पुराने साझेदार का रिटायरमेंट की निवृत्ति या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या फर्म का समापन हो जाए तो उस समय क्या क्या परिस्थितियां होंगी, किस किस तरह से कार्य होगा, साझेदार किस मेथड से बुक्स मेंटेन करेंगे, किताबों को मेंटेन करेंगे, उनकी ऑडिट अंकेशन किस प्रकार होगा, साझेदार प्रतियां कहाँ से प्राप्त करेंगे, अधिकार क्या क्या है, मतलब तमाम नियम एवं शर्तें आपको साझेदारी संलेख में देखने को मिलेगी। ये समस्त नियम एवं शर्तें जो लिखित रूप में है वही साझेदारी संलेख है। साझेदारी संलेख का होना इसलिए आवश्यक है ताकि अगर साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो तो उस मतभेद को परफेक्ट को दूर करने के लिए वो गाइडलाइन हमारे पास में मौजूद है। तो ये साझेदारी संलेख हमारे सामने इस तरह से, लेकिन गाइस आप लोग जानते हैं ये हिंदुस्तान है और आज भी हमारी बातों का मूल्य कितना है, हम लोग बात जो बोल लेते हैं एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं तो वही वाली बात पीछे नहीं हटते हैं जैसा भी, तो कई बार हम ओरल मौखिक रूप से भी आपस में क्या कर लेते हैं साझेदारी के नियम शर्त लागू कर लेते हैं कि ये नियम ऐसा है इतना इतना होगा ऐसा होगा जो भी है। अब समस्या ये आती है कि ओरल तो ओरल ही इसके बारे में लिखा शास्त्र में शुरुआत में ही एक कहावत थी 11th क्लास के अंदर, तो कहावत क्या थी, पहले लिख राशे थे भूल पड़े कागज से। लेकिन वही समस्या अगर हमने हमारे साझेदारी की जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन नियम शर्त हैं उन्हें मौखिक रूप से वेरीफाई कर लिया, संपादित कर स्थापित कर लिया और अगर कोई परेशानी नहीं है चलो ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी कोई भूलवश कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किस प्रकार होगा ये बड़ी समस्या है। या मान लीजिए आपने साझेदारी व्यवसाय तो किया लेकिन उसमें कुछ चीज़ों ही को ही प्राथमिकता दी, ज़्यादा कुछ भी और नहीं किया, कुल मिलाकर के आपकी साझेदारी संलेख की आपने क्या कर ली उपेक्षा कर ली, इस साझेदारी संलेख की उपेक्षा करने पर आपने इसको नहीं बनाया और आपके बीच में मतभेद हुआ तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका निवारण कैसे करेंगे। देखिए आपको दिमाग में ये आएगा सर अगर मेरी कोई बात नहीं मानेगा
और मैं सच्चा हूँ तो पार्टनरशिप करूँगा ही। अरे ये तो होना ही है भाई, ये तो होना ही है। जब आपने जो डिसाइड कर ली और सामने वाले व्यक्ति ने आपने उसका क्या कर दिया, विरोध किया, जिस पर आप सभी लोग अग्री हुए थे, हुए मौखिक रूप से, हुए ओरल ही थे, लेकिन आप उसमें अग्री नहीं हुए, सामने अग्री नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो होना तय है, साझेदारी का समापन होना निश्चित है। लेकिन जो काम कर लिया उसका तो निष्पादन हो, क्या उसको भी बीच में छोड़ देंगे, क्या वो चीज मामला पेंडिंग रहेगा? जी नहीं। साझेदारी संलेख के अभाव में प्रावधान क्या कहते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो साझेदारी संलेख के अभाव में उत्पन्न होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोविजन एप्लीकेबल, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। तो गाइस प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील, साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो लागू होते हैं। सबसे पहला प्रावधान, समस्त साझेदार आपस में लाभों को बराबर बांटेंगे। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रिश, मैं फ्यूचर रिश को PSR के नाम से आप लोगों के सामने खोल दूंगा। इक्वल PSR अर्थात सभी साझेदार का लाभ हानि अनुपात, जिसमें लोग अपने लाभों को बांटेंगे। अगर वो डील डिली देते हैं तो कोई समस्या ही नहीं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। एक उदाहरण के तौर पर ए और बी साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2, कितना है 3:1। प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब साझेदारी संलेख बना हुआ है, उसी से आपको ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। परंतु प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि ए और बी साझेदार है, इन्होंने ये किया, इनका लाभ कमाया, फला किया, तो यहां पर साझेदारी संलेख का क्या है, अभाव है। ऐसी परिस्थिति में आपको जो प्रश्न को करना है तो उसके लिए आपको यह मानना है कि समस्त साझेदार लाभों को क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, अर्थात उनका जो PSR है, प्रोफिशिएंट रेशियो है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील का माना जाएगा 1:1 बराबर। साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या चीज़ें लागू हो रही है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला मैंने पॉइंट लिया, सभी साझेदारों को प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ जाए। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि सर पूंजी पर ब्याज क्या समस्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या चीज है? आपने इंटरेस्ट के बारे में बताया और याद हो बच्चों कि क्लास 11th में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया भी। क्लास 11th में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को याद कीजिए आप। एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसकी कैपिटल पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस इंटरेस्ट कैपिटल को हमने व्यवसाय के लिए खर्चा बताया।
और उसको पीएनएल से चार्ज किया, और फाइनली उस इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल को हमने बैलेंस शीट में पार्टनर्स के, माफ कीजिएगा, उस सोल प्रोप्राइटर एका के व्यापार बिजनेस बैंक के कैपिटल के अंदर जोड़ दिया। उस पुरानी बात है, और ये आपको एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर अंतिम खाते समायोजन सहित उस वाले पार्ट में मैंने बताया था। अब साझेदारी में पूंजी पर ब्याज की पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साझेदारी व्यवसाय के अंदर पूंजी पर ब्याज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करें। जैसे कि मैंने बताया आपको, साझेदारी संलेख के अंदर पूंजी पर ब्याज के बारे में बता रखा है, तो क्यों बताया? साझेदारी में पूंजी पर ब्याज बताया तो क्यों बताया? ताकि साझेदारों के बीच में मतभेद नहीं हो। किस चीज को लेकर मतभेद? मान लीजिए दो साझेदार, साझेदार ए और साझेदार बी, साझेदार ए ने व्यवसाय के अंदर 5 लाख रुपए विनियोजित किए और साझेदार बी ने व्यवसाय के अंदर 3 लाख रुपए विनियोजित किए। अगर मैं आप भी बहुत ध्यान दे दूं नाम से, तो आप अपने आपको ये महसूस कीजिए, बी महसूस कीजिए, क्या ए व्यक्ति के मन में ये बात नहीं आएगी कि मैंने तो पूंजी ज़्यादा लगाई है और बी ने पूंजी कम लगाई है? निश्चित रूप से मानवीय स्वभाव, ह्यूमन नेचर आना ही है। ए ने लगाए 5 लाख रुपये, बी ने लगाए 3 लाख। अब अगर व्यवसाय आप साथ में मिलकर कर रहे हैं और इस तरह की भावना में दिमाग में चल रही है, वो तो फिर व्यवसाय नहीं होगा। फिर तो ये चलता है कि मैंने क्या लगाया, उसने क्या लगाया, ये चीज़ देख रही है, तो व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। समाधान करें। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर इसने पैसा ज़्यादा ले लिया, सर इसने पैसा कम लगाया, सर इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा कर दूंगा। सर देखिए, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ आपको, हम यहाँ पर साझेदार कौन है, ए बी है, एक्स वाई जेड है, हमें उससे क्या मतलब है? हम साझेदारी थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने आपस में सतह पर रह करके डिसाइड किया होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ अनुपात, हमें उसे नजर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अपने दिमाग में आ रहा है किसका, सर हम सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि ए को ज्यादा लाभ मिल जाए और बी को कम लाभ मिल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 30 रुपये, तो ए का हिस्सा कितना हो गया 3/5, बी का हिस्सा कितना हो गया 2/5। बिल्कुल मैं अग्री हूँ आपकी बात से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आपको इसका विरोध करना चाहूँगा कि आपने प्रॉपर डिसाइड तो कर लिया, अब ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए ए के पास में बिजनेस के स्किल्स, व्यवसाय करने की जो विशेषता है, जो चातुर्य है, स्किल्स चातुर्य इसको बोलते हैं, वो ए के पास में कम है और बी के पास में उससे ज़्यादा है। अब ए बोल रहा है कि मैंने पैसे ज़्यादा लगा दिया, और बी बोल रहा है कि मेरे चातुर्य की वजह से व्यवसाय को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। गाइस, परेशानी जो कि कैसे निर्धारित करें कि उनका लाभ हानि अनुपात क्या होना चाहिए, क्या होगा? मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीज़ें सतह पर निर्धारित की जाती है, क्या निर्धारित हो रही है इसके बारे में हमें नहीं कर पढ़ना है कि उन्होंने सर इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों रख लिया, कम क्यों रखा, ज़्यादा क्यों रखा, हमें इस बारे में कुछ भी दिमाग नहीं लगा। लेकिन मैंने एक आपको बात बोली कि पूंजी पर ब्याज क्यों, तो आप एक निश्चित गुरु कि ए ने लगा दिए 5 लाख, बी ने लगा दिए 3 लाख, तो ए के मन में ये नहीं है कि मैंने पूंजी कम लगाई है, उनके बीच में मतभेद ना हो, तो उसके उपचार के लिए उसकी रेमेडी मैंने निकाली है कि पूंजी पर ब्याज लगाया जाए। क्या लगाया जाए? पूंजी पर ब्याज लगाया जाए, अर्थात जो पूंजी है उसके ऊपर क्या लगाया जाए, ब्याज चार्ज किया जाए। समस्या खत्म हुई। ए ने जितना पैसा लगाया उसको उतनी राशि का ब्याज मिलेगा, बी ने जितना पैसा लगाया
उसको उतनी राशि का ब्याज देना। लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया है गाइस भूल जाइए, मैंने क्या लिखा है आपको सामने, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अर्थात किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। हमने पहले ये जाना साझेदारी संलेख में एक विषय एक तथ्य ये भी था कि पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, उसके बारे में वहां हमने छोड़ी थी। लेकिन हमने साझेदारी संलेख के अभाव में ये दूसरा जो पढ़ रहे हैं किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैंने आपको बताया कि पूंजी पर ब्याज पहले तो आए ही क्यों, क्यों आया ताकि साझेदार के बीच में क्या नहीं हो, मतभेद उत्पन्न नहीं हो, किसने पूंजी कितनी लगाई है, किसने पूंजी कम लगाई है, उस मतभेद को दूर करने के लिए पूंजी पर ब्याज की प्रासंगिकता हुई। लेकिन अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तब उस परिस्थिति में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाए। तीसरा प्रावधान नो सैलरी बोनस कमीशन या एक्टर सेक्टर रेमुनरेशन होते हुए नियोजित डिपार्टमेंट किसी भी साझेदार को सैलरी बोनस कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाए। अब ये समस्या आपके दिमाग में आएगा, सर किसी भी साझेदार को बोनस कमीशन पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, सर ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये क्या है, साझेदारों को तो बिजनेस करने पे लाभ प्राप्त होते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं, अब यहाँ पर साझेदारों को सैलरी बोनस कमीशन की बात कहाँ से आ रही है। सैलरी बोनस कमीशन तो किसी बाहरी व्यक्ति को एम्प्लॉय को दिया जाता है, क्या साझेदार साझेदारी फर्म के एम्प्लॉय होते हैं, वो तो एक एजेंट प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, चुके हैं फीचर्स हैं। तो फिर ये क्या प्रावधान था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने उदाहरण दिया कि बी को बिजनेस करने की नॉलेज अच्छी है, इसके पास में स्किल्स अच्छी है, बी के पास में स्किल्स अच्छी है, बी के पास में स्किल्स अच्छी है, तो ए ने क्या बोला कि भाई लेकिन मुझे पूरा का पूरा बिजनेस को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, पूरी देखभाल करनी पड़ रही है, ये कौन सी बात है, निश्चित रूप से बी के मन में आएगा। अब बी के मन में आएगा तो बी और ए में मतभेद तो होना ही है, तो मतभेद के निवारण के लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो फर्म ने डिसाइड किया या ए ने डिसाइड कर लिया, बी ने दोनों बैठ के डिसाइड कर लिया, ए भी दोनों ही फर्म है, क्या डिसाइड किया कि भैया आप तो अलग से काम कर ये काम संभाल रहे हो तो आपको क्या दिया जाएगा, अलग से सैलरी या बोनस से कमीशन दे दिया जाएगा या कोई रेमुनरेशन दे दिया जाएगा, पारिश्रमिक दे दिया जाएगा, आप सहमत हैं, इसी तरह से सहमत हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है
या इस बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो गाइस, किसी भी साझेदार को वेतन बोनस या कमीशन नहीं दिया जाए। आधार किसी भी साझेदार को उसके काम करने के एवज में कुछ भी नहीं। हाँ, प्रॉफिट जरूर मिलेगा, प्रॉफिट का बंटवारा जरूर किया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अतिरिक्त रूप से अगला प्रोविजन मेरा नो इंटरेस्ट ऑन राइट्स। गाइस, राइट्स को आप जानते ही कि बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है उसे राइट्स बोलते हैं। तो पहले ही जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन राइट्स जरूरी क्यों है और क्यों इसको पार्टनरशिप में दिखाया जाता है। गाइस, अगर मैं बात करूं क्या एक बिजनेसमैन को बिजनेस से पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या, या कुछ और पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? जाहिर जरूरत पड़ती, अपनी आजीविका अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, कैसे चलाया अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने लिविंग को चलाने के लिए बिजनेस जो कमा रहा है या कुछ भी मतलब मानने के लिए वो निकालेगा और व्यवसाय से जो आरंभ करेगा। अब परेशानी आती है, ए ने ज्यादा कर लिया, बी ने कम किया है, सी ने ज्यादा कर दिया, तो वही एबीसी के मन में दिमाग में यही रहेगा मैंने कम किया मैंने ज्यादा किया। देखिए, निकालते अपने अकाउंट में से ही है, उनके स्वयं के खाते में से ही पैसा निकाला जाएगा। ये नहीं है कि ए व्यक्ति ने बी में से निकाल लिया या बी सी में से निकाल लिया, ना निकालेंगे अपने ही अकाउंट में से या तो भी फॉर्म से निकालेंगे तो उनके अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने पैसा निकाल लिया है, उनके अकाउंट में कम या ज्यादा होगा। लेकिन परेशानी आती है कि अगर ड्राइंग्स कम या ज्यादा आ जाए, कम हो जाए ज्यादा हो जाए, कोई ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, तो मन में इस तरह के भाव आते ही हैं क्या, उसमें ज्यादा कर ली मैंने कम की मैं भी निकाल देता हूँ। तो बेटा, इस तरह कॉम्पिटिशन अगर हो जाएगा तो कम के फंड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या जो भी है वट एवर। अगर मैं बात करूं इम्पार्शियलिटी की, तो निवारण ऐसे ही होगा कि जितना जो साझेदार व्यवसाय से ड्राइंग्स कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, अर्न कर रहा है, उसको उतना ही फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। ध्यान रखना गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है पार्टनर्स को, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर दे रहे हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं पार्टनर टू फर्म, ये तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से फ्लो होता है किसके पास में, पार्टनर के पास जाता है। और अगर मैं बात करूं पार्टनर से फर्म के पास क्या जा रहा है, आईओडी, ये बात ध्यान रखें भाई, जो एडवांटेज ले रहा है उसको ध्यान से, सिंपल से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से फर्म के पास जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से पार्टनर के पास जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया, तो पार्टनर ज्यादा ड्राइंग्स कर रहा है तो किसी दूसरे पार्टनर के दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि भैया ज्यादा ड्राइंग्स कर रहा है तो ज्यादा ब्याज देगा, कम ड्राइंग्स कर रहा है तो कम ब्याज देगा। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आपने इसको डीड में मेंशन नहीं किया, डीड नहीं है, तो गाइस फिर दोबारा मैं बात कह चुका हूं, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब उन्हें आहरण उनसे पार्टनर से आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा किसी को। फाइनल इसके अंदर लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड
है रेट 6% पर एनम टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, अब आप बोलेंगे सर पार्टनर फर्म को लोन, पार्टनर को कैपिटल लगा दी, अब फर्म को अलग से लोन भी दे रहा है, हो सकता है कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी उसके बाद में भी अगर पार्टनर्स उसके बाद में भी अगर पार्टनर्स को फर्म को माफ कीजिएगा फंड्स की जरूरत है और कोई पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है तो उसने बोला कि मेरे पास से ले लीजिए, बैंक से बन लेंगे, काफ़ी फॉर्मेलिटीज होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेरे पास से फंड्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड कर दिया, लोन दे दिया फर्म को, तो या तो वो रेट बता दे जो डीड में लिखी जाएगी या जैसे भी, और अगर डीड वगैरह में नहीं लिखी गई है, डीड नहीं है, तो गाइस उस पार्टनर को अपने लोन के अगेंस्ट 6% पर एनम का प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दिया जाए। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम थे। एक दो और थे कि प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार पर अधिकार की बात आ जाती है और उसके जो है उसको देखने की प्रतिनिधि प्राप्त करने का अधिकार भी है, ये कोई अधिकार कहलाता है। फिलहाल साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम आपको बताया। वाइस मैनेजर समाप्त। थैंक यू।